तो क्या हाल है यार सभी के। आई होप सभी अच्छे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, पॉजिटिव हो। नहीं यार, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव हो। सो गाइस, इट्स टीसी हियर बैक विद वन मोर वीडियो, और इस बार हम खेलने वाले हैं बस सिम्युलेटर। तो चलो यार, आज का अपना सफ़र शुरू करते हैं। और कुछ इस तरह की हमारी बस है, स्कैनिया की सुपर डिलक्स एसी। इसके आगे एक्सप्रेस नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये ट्रेन नहीं है, ये एक बस है। तो अभी तो हम अपना यहाँ से डोर को करते हैं बंद। और अपने इंजन को करते हैं स्टार्ट, गियर को लगाते हैं पहले गियर में, और अब हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं अपने मंजिल की तरफ। बट उससे पहले थोड़ा सा यार अपने ना इंजन को रेव कर लेते हैं। ऐसे काफ़ी टाइम से हमारी बस खड़ी हुई थी अपने सोर्स स्टेशन पर, इसको ठंड लग चुकी है इसलिए मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो। आई होप गाइस कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। गेट रेडी टू टर्न लेफ्ट। और हमारे पास यार नेविगेशन की जो आंटी होती हैं, जो बताती रहती हैं आपको इधर जाना है इधर जाना है, वो भी हमारे साथ हैं। तो वो भी हमारे साथ सफ़र करने वाली है आज इस सफ़र में। मेरी मंजिल क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, ये आगे वाली आने वाली वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा। तो यार देखो, अभी तो हम इस सबसे पहले ना हम इस शहर की भीड़ भाड़ से अपनी बस को बाहर निकाल लेते हैं यार, उसके बाद मैं आराम से आप सबसे बात करता हूँ। तो अभी आप इन्जॉय करो ये शहर से निकलने वाला जो जर्नी है हमारी, इस सीन को। और आज मैं यार ज़्यादा बात नहीं करूँगा वीडियो में, पूरा गेम प्ले की ही वीडियो है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। Roundabout, take the second exit. और यार यहां से थोड़ा सा संभाल कर अपनी बस को आगे ले चलते हैं। और यार एक तो ना आज की वीडियो में, आज की जर्नी में आप सभी को मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि हम जिस रास्ते से जाएंगे उसमें यार घाट वाली जगह भी आती हैं। तो आई होप आपको जर्नी पसंद आएगी। अब आप समझ के होंगे घाट सेक्शन से मेरा क्या मतलब है। थोड़ी पहाड़ वाली आपने रोड देखी होंगी कैसी होती है, कभी जो रास्ता है लेफ्ट तरफ मुड़ जाता है और कभी राइट तरफ हो जाता है, कभी हम ऊपर जा रहे होते हैं तो कभी हम नीचे आ रहे होते हैं। अब आप समझ के होंगे घाट सेक्शन मतलब क्या। तो वैसी हमारी जर्नी रहेगी, उस रास्ते से हम जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अभी तो यार यहाँ पे मैं रुक चुका हूँ क्योंकि ये आगे गाड़ी वाले थोड़ा सा रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा सा रुक कर देखना है कि लेफ्ट से कोई ट्रक या फिर कार कुछ आ तो नहीं रहा है। अभी यार मैं होता तो आराम से टिपर देके मैं बोलता कि भाई मेरे को जाने तो पहले, मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि आपको पता है यार मेरी ड्राइविंग कैसी है। भाई चलो यार चल, कितना टाइम लगाएगा। अरे यार एक तो सामने वाले से ना हम छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, पुलिस वाला यार अभी उतर के चालान काट देगा। चलान भी क्या भाई, उससे छेड़छाड़ करी तो सीधा अंदर डाल देगा। Exit now.
यार इस गेम की बात की जाए तो गाइस इस गेम के बारे में आप सभी को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा कि इस गेम का नाम क्या है और आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो या परचेज कर सकते हो। इस सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड गाइस रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी तो उसके कमेंट सेक्शन में मैंने आप सभी को पूछा था कि आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहोगे, बस सिमुलेटर 2 की या फिर GTA 5 की। तो आप सभी ने बोला था कि हाँ भाई कोई ड्राइविंग सिमुलेटर की आप वीडियो बनाओ, मतलब या तो ट्रक या फिर बस। GTA 5 हम बाद में देखेंगे। भाई अभी ये जो गाड़ी वाला था ना, इसका जो ड्राइवर होगा उसका पता नहीं क्या निकल के हाथ में आ गई होगी। जिस तरह से मैं बस चला रहा था और उनको ओवरटेक मार रहा था, वो तो मैंने गाइस देख लिया था कि उसने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे रखा है तो वो टर्न लेने वाला है। मैं पहले से ही ब्रेक लगाने लगा बट एंड मोमेंट पर जाकर लगाए मैंने। भाई हिल गई होगी उस गाड़ी वाले की अच्छे से। सो गाइस इस पॉइंट से हमारा घाट सेक्शन शुरू हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और ये जर्नी भी और मेरी ड्राइविंग भी। कुछ शिकायतें हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, शर्माना मत। तो यार देखो अभी हम एक्चुअली शहर से निकले ही थे कि कुछ दूर चलते ही हमारे एक पैसेंजर को नेचर कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे हमारी बस को सड़क पर साइड में रोकना पड़ जाता है। भाई यार जब बस स्टैंड पर हमारी बस यार रुकी हुई थी, वहाँ से चलने वाली थी तब चले जाते यार। चलो छोड़ो गाइस कोई बात नहीं, अब नेचर कॉल यार वो तो कभी भी आ सकती है। तो अभी इन पैसेंजर के लिए हम रुकते हैं। तो यार फाइनली इनका ये जो क्रियाक्रम है ख़त्म हुआ और मैं वापस से अपना डोर को बंद करके अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। अब आई होप यार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आशा करता हूँ। मैंने पैसेंजर्स को रिक्वेस्ट कर दिया कि वो आपके इस सफ़र के, मतलब जो वीडियो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। मैंने सभी को बोल दिया टेंशन ना लो। वैसे इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने एक एक खाली बॉटल एम्प्टी बॉटल सभी पैसेंजर को दे दी है। तो यार अब भाई जो समझ गया हो वो अभी के अभी यार लाइक मारो यार, इस वीडियो पे 1000 लाइक ना करवा ही दो, शेयर कर दो अपने सभी कॉन्टैक्ट वासियों को, जहाँ तक कि अपने पेट्स को भी अगर उनके पास फ़ोन हो तो। मजाक कर रहा हूँ। चलो यार वापस आते हैं अपनी वीडियो पर।
यार ये घाट वाले सेक्शन में ना, ये पहाड़ वाले रास्तों पर इशू रहता है तो ओवरटेक का रहता है, क्योंकि सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक जिससे कि गाड़ियां ऊपर जाएंगी, दूसरा जिससे कि नीचे आएंगी, दो साइड ही हैं, तो इसलिए ओवरटेक में बहुत इश्यूज हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो सामने मेरी नीली गाड़ी चल रही है, इसको मैं ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। अभी मैं कोशिश करता हूँ, कर सकते हैं या नहीं। तो यार बहुत ही शानदार स्पीड के साथ मैंने इसको बिना किसी प्रॉब्लम के ओवरटेक कर दिया। बट यार मैं ज़्यादा ओवरटेक नहीं करूँगा इन गाड़ियों को, क्योंकि पहाड़ वाली रोड है ये, पहाड़ वाला रास्ता है, तो हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते हैं। पैसेंजर्स की जो सेफ्टी है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एक तो यार पहाड़ वाले रास्ते पर जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो ना, तो सबसे बड़ा इश्यूज आता है गियर का। कभी आप गियर को बढ़ाते हो, कभी कम करते हो, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे से तीसरे पर। ये तो अच्छी बात है, इस बस में जो है 6 गियर वाला सिस्टम है, तो मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ रहा है। 12 गियर वाले तो यार बहुत ही हैवी हो जाता है उसमें, तो मैन्युअली अगर आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तो 12 गियर वाली में यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो गियर्स हैं उनको शिफ्ट करता हूँ। जैसे कि पहले से अगर शिफ्ट करना है तो मैं दूसरे पे जाने की जगह तीसरे पे जाता हूँ। और भाई मैं ऑलमोस्ट यार इस गाड़ी को ना टच कर देता पीछे से, अच्छी खासी आवाज़ आ जाती भाई। अब वो गाड़ी वाला मेरे को पकड़ लेता अभी, तो चले यार वो आगे ध्यान दे रहा है, पहाड़ वाला रास्ता है तो अच्छी बात है उसने ध्यान नहीं दिया कि ऑलमोस्ट टच करने वाले थे हम उसको। इस बात का यार अब हम ध्यान रखते हैं, वरना क्या फ़ायदा यार पैसेंजर को किसी हार्ट अटैक आ जाए मेरी ड्राइविंग देखकर। और यार एक तो ऐसे पहाड़ वाले रास्तों पर इतने बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं यार, एक तो इनको देखकर मेरे को डर लगता है ड्राइविंग में। आज ये गाड़ी वाला मेरे को ओवरटेक नहीं करने देगा इसको। तो चलो यार जहां तक मुझे लगता है अब हमारा घाट सेक्शन खत्म हो चुका है, अब हम प्लेन एरिया में ड्राइविंग करेंगे, तो अब मैं स्पीड में जा सकता हूँ यार। मेरे को जाने दे यार पहले, ओहो भाई अभी आपने देखा मैंने क्या करा। और भाई ये जो गाड़ी वाला है ये मेरे को सुनाने लगा यार, हमारी आपस में होने लगी थी थोड़ी, बट मैंने कहा छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर, अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। ये तो गेम है तो इसने मेरे को ज़्यादा सुनाया नहीं, अगर रियल लाइफ में होता तो भाई एक से एक सुना देता वो मेरे को रख के, क्योंकि मैं ऐसी लेन में यार बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ ओवरटेक कर रहा था।
और वहाँ पर यार थोड़ा ग्रेडियंट भी था, मतलब रोड जो है थोड़ा सा ऊपर जा रही थी, तो मुझे आगे का जो जितना भी एरिया होता है, जो व्यू होता है, मेरे को नहीं दिख रहा था कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं। वो एकदम से आ गया यार, वैसे मैंने नोटिस नहीं किया ग्रेडियंट था या कर्व था, पता नहीं यार, आप बताते ना मेरे को। Turn right. So guys, यार आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। कुछ दूरी पर ही एक रेस्टोरेंट आने वाला है, और जैसा आपने देखा पहाड़ों वाला रास्ता कभी लेफ्ट जाता है तो कभी राइट जाता है, और बहुत मोड़ होते हैं यार उसमें। तो ऐसे रास्तों पर एक्चुअली क्या होता है गाइस, कुछ पैसेंजर्स को वॉमिटिंग इश्यूज हो जाते हैं यार। इसी वजह से जो आगे स्टॉप आने वाला है मैं वहाँ पर रोकूँगा अपनी बस को, तो इससे क्या होगा पैसेंजर्स को यार थोड़ा सा फ्रेश एयर मिल जाएगी, और मैं हमारी ओवरनाइट जर्नी से पहले यार कुछ खा पी लूँगा, थोड़ा सा वहाँ पर रेस्ट कर लेंगे। तो आई होप यार आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, और मुझे बताना गाइस कि आज की वीडियो में आप सभी को क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा। और हमारी GPS आंटी ने भी बहुत साथ दिया हमारा। Turn right. So guys, like the video. अगर पसंद आई हो और बताना कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन, और कुछ शिकायतें हो तो आप वो भी बता सकते हो रिलेटेड टू माई ड्राइविंग या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ आप सभी से आप मैं किसी और सफ़र में। और हाँ, मेरे को ये भी बताना यार कि इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं।